Good evening, guys. You're watching my channel, one and only Sumit V Log. Before we start, thanks a lot to watching my previous video. I'm really appreciated those guys who can like, share, and subscribe. Thank you so much, guys. I just request you just watch this video till end. You will definitely like this video. And if you like the video, don't forget to share, subscribe. देखते किधर जाते जाएंगे तो मालूम पड़ेगा इतना बोर हो रहा ना आज मालूम से बहुत बोर हो रहा मुझे भी यार बाकी क्या चल रहा है लाइफ क्या चल रहा है क्या चल रहा है और इलियास भाई छुट्टी ना आज तीन लोग की हाँ यार छुट्टी तीन लोग की मजे यार सही रिसेट लाइफ है एकदम यार चल किधर चलते इधर चले गए यार मेरा मूड नहीं है यार कहीं जाने का चल उक्का विक्का पीते हैं यार उक्का पानी बंद हो गया यार क्या उक्का पिएगा यार क्यों क्या हो गया अरे मौसम बहुत अच्छा है यार मौसम तो अच्छा है यार पर जेब में पैसा नहीं तो इंसान निकलने की हिम्मत नहीं करता ना अरे पैसे की बात क्या पैसे का टेंशन ले रहे पैसा है तुम लोग के पास भाई तुम लोग बोल देंगे लेकिन मेरे को खराब लगता है ना बार बार तो पैसे का टेंशन मत ले चल जाते हैं अपन क्या टेंशन में क्यों है यार घर वाले पैसे नहीं दे रहे यार 100 रुपया मांगा तो बोला नहीं है मेरे पास 100 रुपया नहीं रहता क्या घर वाले क्या बात कर रहे हैं यार क्या बोलूँ बहुत परेशान हो गया हो यार फिर क्या अभी ऐसी निकालना पड़ रहा है दिन बाप ने पैदा करके छोड़ दिया ये बच्चा जाओ किधर भी करो कुछ भी करो हाथ में पैसा तो मिलता है यार किधर चार लोग में उठेगा बटेगा इसका हमेशा का नाटक है हमेशा का नहीं मनीष यार देखो नहीं मालूम मेरे घर में क्या चल रहा है यार नहीं यार कुछ रहेगा बर्थडे के टाइम भी तूने यही किया था अरे बर्थडे के टाइम खाली खाली 500 रुपया निकाला बाप के जेब से तो मारना चालू कर दिया बोले तूने कैसा लिया अब बेटा है यार ले नहीं सकता यार 500 रुपया क्यों ऐसा क्यों क्या हुआ क्या मेरे को क्या मालूम जाके पूछ मेरे बाप को ये रहता है किसी के घर का रहता है अभी फोन आए देखते रहो ये भी एक तरह से यार हेलो हाँ नहीं किया लंच तो क्या करेगा बाहर हाँ नहीं दिया पैसा तो देना चाहिए था ना हाँ मैं खा लेगा कुछ भी खा लेगा हाँ तो खिचड़ी बनाया तो खिचड़ी खाने की चीज़ है क्या अभी रखो फोन हाँ मैं ख्याल रखेगा क्या बच्चा बिच्चा नहीं है मैं रखो फोन रखो ऐसा तरह देख रहा है खिचड़ी बना दे कभी करेला बना दे खाने की चीज़ है क्या कोई इतना क्यों भड़क है अरे यार रोज का नाटक हो गया रोज सुनना पड़ेगा माँ बाप से ऐसा बात कर दे क्या इज्जत से बात किया भाई इज्जत में बोल जा रहा अभी तुम लोग भी चबाओ मत यार चबाओ नहीं यार तू ऐसी बात कर रहा है तू चल हम लोग से ऐसा बात कर रहा है ठीक है यार माँ से तो अच्छे से बात किया कर चलो क्या पैसा है भाई तुम लोग बोल रहे हैं यार चलो यार अभी जाओ मुंह खराब हो रहा चलो इधर जाते चलो कुछ नहीं मिलेगा क्या बोला मम्मी को तेरी मम्मी आके रो रही थी मेरे घर पे क्या बोला तू सुना कि बोल रहा था कि पैदा करके छोड़ दिया सही है ना भाई ऐसा कोई बोलता है या किसी अपने से बड़े को 100 रुपया तो मांगा था ये गलत है पैसे के लिए तो अपने माँ बाप को ऐसा बोलेगा क्या करेगा भाई माँ बाप की तेरे नज़र में कुछ इज्जत है कि नहीं हाँ पैदा करके छोड़ दिया ऐसा कोई बोलता है तूने उनके लिए क्या किया अरे जो इतना बड़ा बंदा है तू बोलता है 500 रुपये चाहिए 100 रुपये चाहिए 200 रुपये चाहिए तूने उनको कमा के दिया क्या जो मांग रहे थे हाँ मैं कैसे दूंगा भाई पैसा तुम कमाने वाले तुम दे सकते हैं मैं नहीं दे सकता ना मेरे को घर वालों से मांगना पड़ता है देख अपन दोनों साथ में पढ़ते थे आज मैं वहीं से पढ़ के वही क्लास में पढ़ाता हूँ तू नहीं पढ़ा इसके आज तू कुछ नहीं कर पा रहा कभी भी ना माँ की अहमियत समझा कर माँ कितने साल से तेरे साथ बोल 20 साल हो गया रहेगा 20 साल में जिस दिन तूने खाना नहीं खाया उस दिन उसने खाना खाया क्या उसने एक निवाला डाला अपने मुंह में जब तू बीमार था कोई था तेरा दोस्त तेरे साथ तेरी माँ थी ना तेरे साथ तो तूने ऐसा कैसा बोल दिया पैदा करके छोड़ दिया किसी की मजबूरी या गलत फ़ायदा मत उठा उसने तुझे पाला है पोसा है तू जानता नहीं है माँ की इज्जत भगवान ने हमेशा बोला है कि मैं हर जगह नहीं हो सकता तो इसलिए मैंने माँ को रखा हमेशा एक बात याद रख माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बोलने से पहले 100 बार सोचा कर वो तेरी माँ है उसने तेरे को जन्म दिया अपना पेट काट के तेरे को पैदा किया है उनसे कभी उल्टा बात नहीं करना और तू करता है जो अब तेरे डैड तेरी हेल्प नहीं करते हाँ
तू जानता हो कितना ट्रैवल करते। मैंने देखा जब मैं जॉब पे आता हूँ ट्रेन में गर्दी में ट्रैवल करते, सिर्फ दो पैसा इसलिए कमाते कि तू पढ़ सके, तू उनके तरह काम ना कर सके। लाइफ में कुछ ऐसा कर जिनसे उनको खुशी मिले, उनको उल्टा बोलने से अच्छा। 20 साल का हो गया है तू इनके साथ बैठता है, इन दोस्तों के साथ मजे करता है, तेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने डैड के लिए कुछ करूं? इलू टाइम एक बार चला गया तो चला गया, जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा, बस खाली कोसते मत रहे। तुम बोलता है ना मैं पैर पड़ के क्यों निकलता हूँ, ये करके क्यों निकलता हूँ, उनका पैर पड़ लेता हूँ ना मेरे को लगता है कि मैं जन्नत में चला गया और मेरा वो दिन हमेशा अच्छा ही आता है, इसलिए मैं पढ़ के निकलता हूँ। उन्हें ना मेरे को पैदा किया, मैं मरते दम तक उनको नहीं भूल सकता। इलू उन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, मैंने उनके साथ ऐसे ऐसे दिन देखे, उन्होंने खुद नहीं खाया लेकिन मुझे खिलाया, और आज मैं बड़ा होने के बाद उनको धिक्कार दूँ, उन्हें बोल दूँ जैसा तू बोलता है, तेरे मेरे में क्या फ़र्क हो जाएगा? हमेशा माँ की रिस्पेक्ट करना। आज उनके आँख में आंसू देख लिया है, ज़िंदगी में कभी आंसू आने नहीं देना। माँ से नहीं डरता ना, उस खुदा से तो डर। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो में हुआ है, जो एक्ट हुआ है, कृपया वो अपने रियल लाइफ में ना करें, और ऐसा करने वाले को तो खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता, हम तो फिर भी इंसान हैं। आज आप देखते रहे आज के यंगस्टर्स लोग को, हर एक के माँ बाप रो रहे हैं, 5 साल के होने के बाद ही बच्चा पूछता है कि मैं ये काम क्यों करूँ, किस लिए करूँ, तुम कौन होते मुझे बोलने वाले। आज उनकी नीड्स पूरी नहीं होती तो अपने डैड को डायरेक्टली उल्टा कह देते हैं। ये सब चीज़ आप देख सकते हो, नॉर्मली कितने यंगस्टर ऐसे हैं जो पैसे के लिए अपने माँ से रूढ़ बात करते हैं, ये कितनी गलत बात है। मेरी इस वीडियो के दौरान यही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को कभी इतना भी मजबूर ना करो, इस हद तक भी मजबूर ना करो कि उन्हें आप पे शर्म आने लग जाए। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा कुछ करना कि जिसकी वजह से आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, कभी ऐसा कुछ नहीं करना जिसकी वजह से उनका नाम डूब जाए। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको इस वीडियो के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो इस वीडियो के दौरान मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अपने माँ को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो माँ को भी ऐसा लगे कि यार बेटा हो तो ऐसा हो। बस इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल सुमित वी लॉग। थैंक यू।